हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ दो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन और एग नूडल। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ये दोनों रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को पसंद आएंगी। चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। हाफ के जी हमें बॉनलेस चिकन लेना है। देखिए, चिकन के आपको लंबे लंबे पीस करने हैं और इसे धो के जाली में भी रखना है। एक कटोरी में चिकन को निकालेंगे, इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। 2 टेबल स्पून हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। 2 चम्मच हम सूखी मिर्च और टमाटर का पेस्ट डालेंगे। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये चाइनीज़ के साथ इंडियन रेसिपी में भी यूज़ होता है। और इसमें एक अंडे का सफ़ेद हिस्सा डालेंगे, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। आपको फूड कलर नहीं चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद में कॉर्नफ्लोर डालूंगी मैं 4 चम्मच। थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है और मिक्स करते जाना है इस तरीके से। और चिकन में अच्छे से कोट करके लेंगे कॉर्नफ्लोर को। देखिए, ये थोड़ा सा बच गया है, मैं बाद में इसे इस्तेमाल करूँगी। अभी हम एक तपेली में पानी गर्म करने रखेंगे और इसके अंदर थोड़ा तेल डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और इसमें नूडल डालेंगे। मैं चीन्स का नूडल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का कर सकते हैं। और इसे कट करके डाल देंगे। नूडल को अच्छे से पका के लेना है हमें। और नूडल जब अच्छे से पक जाए तो आप इसे चेक करके देख लीजिए। देखिए, नूडल अच्छे से पक गए। इसे चेक करूंगी, ये अच्छे से टूट रहा है। अभी हम छान देंगे जाली में। जाली में छान के आपको थोड़ा तेल डाल के इसे ढक्कन से ढक के रखना है। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे हम। इसमें मैं 15 काजू लूंगी, हल्का हल्का भून के लेना है काजू को। और 15 प्याज लूंगी छोटे छोटे, इसे भी हल्का हल्का भून के लेंगे। क्रिस्पी चिकन में काजू अच्छा लगता है। और चिकन डाल देंगे अभी तेल के अंदर। और तेज़ आंच में आपको चिकन को फ्राई करके निकालना है इस तरीके से। और उसके बाद में हमारा नूडल भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी नूडल को हम कट करेंगे। देखिए, इस तरीके से आपको उठाना है और बीच में कट करना है। इससे क्या हो जाता है, नूडल एकदम खिले खिले हो जाते हैं। और जब हम इसे बनाते हैं तो हमें इसे मिक्स करने में आसानी हो जाती है ऐसा करने से। आप देख सकते हैं, मैं उसे उठा के बीच में कट कर रही हूँ। बस फैला देंगे अभी अच्छे से। और अभी हम अदरक लहसुन हरी मिर्ची का मसाला दिखाती हूँ आपको। ये तीनों भी क्वांटिटी सेम है, मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। मैं फिर चम्मच के हिसाब से आपको दिखा दूंगी कितना हमें डालना है। अभी इसे हम चॉप करके एक कटोरी में निकाल के रख देंगे। और कॉर्नफ्लावर जो मैंने बचा के रखा है उसमें थोड़ा छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर और लूंगी। और इसमें थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बना के रख देंगे। पैन रखेंगे गैस के ऊपर। 2 चम्मच तेल डालूंगी। इसमें 2 चम्मच हमें चॉप मसाला ऐड करना है। और अच्छे से पका के लेंगे, इसका कच्चापन निकालेंगे। हाफ टी स्पून हमें ब्लैक पेपर पाउडर डालना है। 1 टी स्पून वेनेगर डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम सोया सॉस डालेंगे, मिक्स करेंगे। और टमाटर और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। थोड़ा पानी डालते हुए आपको सॉस को अच्छे से पका के लेना है। फिर इसमें थोड़ा नमक डालूंगी और कॉर्नफ्लावर का घोल भी डाल देंगे। देखिए, सॉस को हमें गाढ़ा करना है थोड़ा पानी डालते हुए। अच्छे से पकाने के बाद इसमें काजू, प्याज और एक शिमला मिर्ची लंबा कट करके डालेंगे। चिकन भी ऐड कर दूंगी। ये आपको तेज़ आंच में करना है जल्दी जल्दी। और थोड़ा पानी डालते हुए इसे पका के लेना है। देखिए, क्रिस्पी चिकन बन के तैयार है। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डाल दूंगी ऊपर से और इसे रख देंगे साइड में। अभी हम एग नूडल बनाएंगे। तो एक कटोरी में 1/2 टीस्पून सूखी मिर्च का पाउडर लूँगी, 1/2 टीस्पून पार्सले डालूँगी और थोड़ा सा नमक डालेंगे और 2 अंडा तोड़ के डालेंगे। और इसे फेंट के लेंगे। इसका हमें आमलेट बनाना है। तवे में थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और आमलेट डाल देंगे। आमलेट को आपको ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है आपको। एक साइड आमलेट हमारा अच्छे से पक जाए तो आप इसे पलट दीजिए। देखिए, इस तरीके से पलट देंगे। देखिए, इसका कलर मैंने चेंज नहीं किया है बिल्कुल भी, हमें ऐसे ही चाहिए ये। और इसे पका के हम प्लेट में इसके पीसेस करते जाएंगे। जब ये ठंडा हो जाए, लंबे लंबे पीसेस कीजिए। फिर एक कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें चॉप मसाला डालूंगी 1 चम्मच।
मिला देंगे अच्छे से। प्याज डालेंगे, लंबा लंबा कट करना है प्याज को। फिर इसमें एक चिकन क्यूब डालूंगी और चिकन क्यूब डाल के मिला देंगे। फिर इसमें मैगी का मसाला 1 पैकेट डालूंगी, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा पानी डालते हुए मसालों को भून के लेंगे प्याज के साथ में। 1/2 टीस्पून पार्सले डालूंगी और अंडा डाल देंगे जो कट करके रखा है। नूडल भी ऐड कर देंगे। नमक आपको बाद में डालना है चेक करके, क्योंकि क्यूब में और मैगी मसाले में नमक होता है, तो इसमें थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा ऐड कर दूंगी नमक। और तेज़ आंच में आपको इसे पूरा मिक्स करना है। देखिए कितना अच्छे से नूडल बन के भी हमारा तैयार है। काफ़ी टेस्टी लगता है ये एग नूडल। इसे गर्मा गर्म प्लेट में पहले सर्व करेंगे हम। देखिए इस तरीके से पहला नूडल निकालेंगे और फिर इसके ऊपर हम क्रिस्पी चिकन रखेंगे। ये जितना दिखने में अच्छा है उतना खाने में टेस्टी है। ये जब मेहमान आते हैं आपके घर में, फंक्शन हो, तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ऐसे भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी रेसिपी है। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरी रेसिपीज बनाते पसंद करते हैं तो मुझे इंस्टा में ज़रूर फॉलो कीजिए और इस रेसिपी को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में। और अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए मुझे कमेंट कीजिए ज़रूर।